लव जिहाद को लेकर आप क्या सोचते हैं? लव जिहाद को हिंदुस्तान में सबसे पहले जो लाने का प्रयास हमने किया 2009 में हमारी पुस्तक बनी थी लव जिहाद के संदर्भ में। बहुत सारे लड़कियों को हमने इसके संदर्भ में जागरूक करने का प्रयास किया। अलग अलग जगह पर हम महिलाओं के युवतियों के शिविर लेते हैं, संस्कार शिविर लेते हैं, उसके अंदर लव जिहाद क्या है उसके संदर्भ में बताते हैं। क्योंकि लव जिहाद से केवल हिंदुस्तान पीड़ित नहीं है, यह पूरे विदेशों से चल रहा है। ये 29 सितंबर 2009 में लंदन के पुलिस कमिश्नर है सर इयान ब्लेयर, उन्होंने सबसे पहले विश्व को बताया कि लव जिहाद चल रहा है। तो यदि ये विश्व के लिए समस्या है कि कोई जिहाद में सम्मिलित होने के लिए ये प्रयास कर रहा है तो उसके बारे में जागरूकता करना बहुत आवश्यक है। मैं तीन उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। मोदी जी की सभा में जो पटना में बम विस्फोट हुए, उसका जो पूरा फाइनेंसिंग किया गया वो मैंगलोर की कर्नाटक की लड़की है जिसका नाम है आयशा बानो। उसका ओरिजिनल नाम आशा था, उसको कन्वर्ट किया गया, फिर उसके नाम से, उसे पता भी नहीं था, 30 बैंक अकाउंट ओपन किए गए और लगभग उसमें पाकिस्तान और सऊदी से 5 करोड़ रुपया डाला गया जो पूरा टेरर फंडिंग था। आज हुआ क्या, टेररिस्ट तो भाग गए लेकिन ये जो आयशा बानो है वो जेल में है। दूसरा उदाहरण दीपा चेरियन का मैं केरल का देता हूँ। आज इस लड़की को उन्होंने ऐसे ही फंसाया, दीपा चेरियन का नाम उन्होंने बदल दिया गया और उसको शाहीन नाम दिया गया। इस शाहीन को ये काम दिया गया कि अपने बुर्के के अंदर से छुपा करके सिम कार्ड, मोबाइल के सिम कार्ड जो टेररिस्ट है उनको पहुंचाने हैं। वो लड़की पकड़ी गई, आज वो लड़की जेल में है आतंकवादी बना। तो हिंदू लड़कियों को टेररिज्म के लिए वो पूरा उपयोग में ला रहे हैं, क्या इसका अवेकनिंग करना कोई गलत है? इसमें ना कोई प्यार है ना मोहब्बत है, इसका तो कोई यूटिलाइजेशन है इसमें। आज विदेश में कितनी सारी, कल की न्यूज है मैंने इंदौर में पढ़ी है टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि 7000 नेपाली लड़कियों को नाइजीरिया लेके जाने के नाम पर उनको दुबई में रुकाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया। ऐसे हिंदुस्तान से कितनी सारी लड़कियों को भेजा जाता है। तो ये पूरा इल्लीगल ट्रैफिकिंग का सिस्टम होगा या और भी कुछ होगा, ये पूरा लव जिहाद के नाम पर चल रहा है। तो इसे रोकना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जैसे हमने सरकार से दरखास्त की, यदि ये इतनी बड़ी पैमाने पर है, एक देश की नेशनल शूटर कैमरे पर आकर के कह रही है कि मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, तो ये जिहाद का कोई भी स्वरूप हो, इसके अंदर कोई भी सम्मिलित हो, इसकी एक जांच कमेटी राष्ट्रीय स्तर पर बिठानी चाहिए। यदि ये राष्ट्रीय स्तर पर जांच कमेटी बैठती है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, तो आप उसको पूरी सहायता करने के लिए तैयार हो और तब जाकर के खुल करके सामने आएगा। मैं राजनाथ सिंह से मतलब दरखास्त करता हूँ, जो उन्होंने कहा कि कहाँ है लव जिहाद, मुझे तो नहीं दिखा, तो आपको नहीं दिखाई देता है तो हम आपको दिखाने के लिए तैयार हैं और आप बुलाइए, आप हमें वहाँ पर पूछिए, हम आपके सामने केसेस लेकर के आने के लिए तैयार हैं। हमने पिछले अधिवेशन के समय पर यह तय किया था, उस समय पर हो नहीं पाया। हम 300 लव जिहाद में फंसी हुई लड़कियों को दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर लेकर जाने वाले हैं और उनको दिखाने वाले हैं ये लव जिहाद।